हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे और फेस्टिवल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, मैं सलमा सिद्दीकी फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ मेरे चैनल सिद्दीकी सेंस पर। आज गाइस हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त एंड यमी रेसिपी आपके लिए। मैं बनाने वाली हूँ आज मेरी किचन में खजूर की एक स्वीट डिश, और ये ना सिर्फ टेस्टी होगी, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगी, जो कि आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते और देखते हैं कैसे बनेगी हमारी खजूर की बर्फी। इसे बनाने के लिए मैं गाइस सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर रही हूँ खसखस को। मैंने यहाँ ली है तकरीबन 3 से 4 टीस्पून खसखस। इसे हम ड्राई रोस्ट करके अलग निकाल लेंगे। फिर इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ देसी घी, जिसमें जो हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, यहाँ पर मैंने इसमें लिए एलमंड और पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड एंड पीनट्स, इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, हल्के से घी में रोस्ट कर लेंगे और क्रंची होने पर इन्हें भी हम अलग निकाल लेंगे। अब फ्रेंड्स, पैन में हमें फिर से थोड़ा सा घी डालना है, और घी गरम होने तक इतना हम क्या कर लेंगे, ये मैंने गुठली खजूर में से निकाल ली थी। अब हम इन्हें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इन्हें हम थोड़ा थिक सा रफ़ सा इनका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। कुछ इस तरीके का पेस्ट तैयार कर लिया हमने, और ये आपको थोड़ा थोड़े पेस्ट तैयार करना है, एकदम से करेंगे तो मिक्सी आपकी ख़राब हो जाएगी। अब गाइस जो हमारा घी गर्म हो चुका था, उसमें हम हमारे जो खजूर का पेस्ट है इसे डाल देंगे, और इसको भी अब हम अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर भूनेंगे। अच्छे से हमें इसे भी रोस्ट करना है सो दैट ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा और इसमें एक अच्छी सी स्मूथ कंसिस्टेंसी आ जाएगी। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1/2 कप मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है गाइस, अगर आप मिल्क पाउडर ना डालना चाहें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके टेस्ट में। तो बस ये मिल्क पाउडर से इसकी थोड़ी सी इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जो हमारे ड्राई रोस्ट ड्राई फ्रूट्स थे, उनको 1/2 क्वांटिटी को मैंने इसमें डाल दिया और 1/2 क्वांटिटी को मैंने बचा कर रख लिया। अब इन्हें तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से इसी तरीके से लो फ्लेम पर हमें चलाते रहना है, जब तक कि एक स्मूथ जो पेस्ट है उसमें वो तैयार हो जाएगा। अब गाइस हमारी ये बर्फ़ी का पेस्ट अच्छे से तैयार हो चुका है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये स्क्वायर मोल्ड, जिसे मैं ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा जो खसखस है, जो हमारी खसखस में मैंने थोड़ी सी बचा ली थी, उसको हम डाल देंगे और इसे थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। साथ के साथ जो हमने ड्राई फ्रूट्स बचाए हुए थे ड्राई रोस्ट करके, उन्हें भी हम इसमें नीचे थोड़े से डाल देंगे, और फिर इसमें हम डाल देंगे हमारा जो बर्फ़ी का हमने जो मिक्सचर तैयार किया है उसको। अभी ये बहुत गर्म है, हमें इसे गर्म गर्म में ही डालना है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी भी है, तो इसे हम क्या करेंगे, हल्का सा घी ऊपर डालेंगे कुछ ड्रॉप्स, और उसके बाद फिर से हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। और अब हम इसे हाथों से हमारी फिंगर्स से अच्छे से स्प्रेड करेंगे, साथ में हम डाल देंगे खसखस को भी। अब हमें अच्छे से इसे प्रेस कर करके हमें स्प्रेड कर देना है पूरे मोल्ड में, और अब मैं इसे रख दूंगी 2 घंटे के लिए एक तरफ सेट होने के लिए। गाइस ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसके जो पीसेस को कट कर लेंगे, 1-2 घंटे फ्रिज में रख कर भी सर्व कर सकते हैं। और गाइस ये बर्फ़ी आपकी जल्दी से ख़राब भी नहीं होगी, ये आप आराम से 15 से 20 दिन रख कर खा सकते हैं। तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने का दिल हो, मिठाई की जगह ये हेल्दी खजूर बर्फ़ी बनाएं और इन्जॉय करें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये कैसी लगी। बाय बाय।